उनके बस स्टैंड स्थित 70 साल से अधिक पुराने पीपल के पेड़ की पूजा यहाँ के लोग वर्षों से करते आ रहे हैं और कई लोगों के लिए तो यह अब काम नित्य कर्म भी बन चुका है। पिछले लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने ऑक्सीजन की महत्वता को भलीभांति महसूस किया है, किंतु विकास के नाम पर अभी भी बड़े बड़े पेड़ों की बलि बदस्तूर जारी है। इसके विपरीत उनके पनवाड़ा रोड पर एक ऐसा भी पेड़ है जिसकी यहाँ के व्यापारी और रहवासी वर्षों से देवताओं के समान पूजा करते चले आ रहे हैं। भरपूर ऑक्सीजन यह स्रोत 70 साल से अधिक साल पुराना बताया जा रहा है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ प्रकृति से जुड़े धार्मिक महत्व रखने वाले पेड़ पौधों की पूजा अति महत्व रखती है। इसमें वट वृक्ष के साथ नीम और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती रही है और शास्त्रों में भी इनके पूजन का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। उनसे दिनेश दसुंधी की रिपोर्ट। पूजा करने के लिए आता था और आज मेरा बच्चा मेरे साथ आता था और मेरा पोता भी मेरे साथ में आता है आज दर्शन करने के लिए। तो ये लगभग कितने वर्ष पुराना पीपल है? 100 वर्ष से पुराना हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो इसकी छाया का आनंद भी लोग लेते हैं? इसकी छाया का आनंद जो सभी पब्लिक लेती है, यहाँ पर जो भी आते हैं बाहर के अतिथि आते हैं वो खड़े रहते हैं बैठते हैं क्या। लेकिन विकास के नाम पर अभी छठे भी है, ये तो विकास के नाम पर करते थे, बाकी इसकी छाया सबके लिए अच्छा है। अच्छा, सभी व्यापारी आते हैं? सभी यहाँ व्यापारी सभी दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आस्था का केंद्र है, जितने भी व्यापारी जो हैं सभी कोई चाय दूध चढ़ाता है, कोई चाय चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, सब जो जैसा भी उनको लगता है सभी का आस्था का केंद्र बन गया। क्या नाम लिखता? मेरा नाम महेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।